Hello grade 5 students, welcome back to your maths class. In this video we'll continue with explanation and textual exercise portion of chapter number 10, tens and hundreds. On page 141 we have one more topic and its name is sports day. The school at Mallapuram has its sports day. The first 5 children in the long jump are, देखो अब मल्लपुरम में एक स्कूल है, वहाँ पे स्पोर्ट्स डे हो रहा है, ठीक है। उसमें से लॉन्ग जंप कंपटीशन में फर्स्ट 5 चिल्ड्रन का मेजरमेंट हमें यहाँ पे दिया है, ठीक है। टीना जंप 3.50 मीटर विच इज 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, ठीक है। टीना ने कितना लंबा जंप किया, 3.50 मीटर, ठीक है। तो अब जो 3.50 मीटर लिखा है यानी पॉइंट के पहले जो नंबर है वो मीटर में, तो पॉइंट के बाद जो नंबर है वो कहाँ जाएंगे, सेंटीमीटर में। तो हम 3.50 मीटर्स को 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, ओके। टीना 3.50 मीटर्स, मीना 4.05 मीटर्स, रिहाना 4.50 मीटर, अनु 3.05 मीटर्स, अमीना 3.35 मीटर्स। ये फर्स्ट 5 चिल्ड्रन के लॉन्ग जंप के मेजरमेंट्स हैं। नाउ क्वेश्चन 1, बट हाउ फार डिड अनु जंप, डैश मीटर एंड डैश सेंटीमीटर। पूछे अनु ने कितना जंप किया, मीटर, डैश मीटर एंड डैश सेंटीमीटर। अनु का मेजरमेंट लिखा है 3.05 मीटर, तो हम पॉइंट के पहले जो है वो कहाँ जाएगा, मीटर में, और पॉइंट के बाद सेंटीमीटर में, तो हम उसे 3 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर्स बोलेंगे। तो हमारा आंसर है अनु जंप्ड 3 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 2, हु इज द विनर इन द लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप का विनर कौन है, रिहाना। वाई, क्योंकि सबसे लंबा जंप रिहाना ने किया है, दैट इज 4.50 मीटर। रिहाना इज द विनर इन द लॉन्ग जंप। क्वेश्चन 3, राइट द नेम्स ऑफ द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड विनर्स ऑन दिस स्टैंड, ठीक है। अब हमें टेक्स्ट बुक में ये स्टैंड दिया है, हमें इस पे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जो विनर हैं उनके नेम्स लिखने हैं। तो द नेम्स ऑफ द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड विनर्स आर, फर्स्ट रिहाना, सेकेंड मीना एंड थर्ड टीना, ठीक है। फर्स्ट कौन आया, रिहाना, मीना सेकेंड आई है एंड टीना थर्ड, ओके। नाउ ऑन पेज 142 वी हैव अ टॉपिक एंड इट्स नेम इज राइट इन मीटर्स, ठीक है। अब हमें कुछ मेजरमेंट्स दिए हैं, मीटर एंड इन सेंटीमीटर बोथ, हमें उसे मीटर्स में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 मीटर 45 सेंटीमीटर। तो अभी जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर 3.45 लिखा है तो पॉइंट के पहले वाला जो नंबर है वो जाएगा मीटर्स में और बाद वाला जाएगा सेंटीमीटर्स में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें दिया है 3 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर, हमें मीटर्स में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, 3.45 मीटर्स, ओके। हम क्या लिखेंगे, 3.45। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 99 सेंटीमीटर, सिर्फ सेंटीमीटर दिया है और हमें मीटर में लिखना है, तो क्या करेंगे, पॉइंट के पहले ज़ीरो लगाएंगे और हमारा आंसर क्या होगा, 0.99 मीटर्स। देन थर्ड वन इज 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, 1 मीटर एंड 5 50 नहीं, तो 1.05 लिखेंगे या 1.50 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1.05, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 100 में 2 जीरो होते हैं, इसके लिए पॉइंट के बाद कंपलसरी 2 डिजिट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 सेंटीमीटर दिया है, तो हम 1.05 लिखेंगे, ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ बिग कैन यू गेट, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाउ बिग कैन यू गेट। नाउ यू कैन सी डायग्राम्स कुछ दिए हैं, फर्स्ट में क्या है, एक बड़ा सा ह्यूमन है जिसे दो बच्चे मेजर कर रहे हैं, नीचे कुछ लिखा है देखो येलो लाइन में, आफ्टर ब्रीदिंग आउट 1.52 मीटर्स, ऑन टेकिंग अ डीप ब्रेथ
1.82 मीटर्स। अब यहाँ पे ये जो बड़ा सा मैन है, जब वो डीप ब्रेथ ले रहा है तो उसके टमी का साइज है 1.82 मीटर्स, लेकिन जब वो ब्रीथ आउट कर रहा है तो साइज है 1.52 मीटर्स। डिफरेंस इन साइज डैश, डू दिस फॉर योरसेल्फ एंड फाइंड द डिफरेंस। देखो अब हमें क्या करना है, ये मैन का साइज का डिफरेंस बताना है। तो जब वो ब्रीथ इन कर रहा है तो 1.82 और जब वो ब्रीथ आउट कर रहा है तो 1.52। हम क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड करना है तो सिंपली वील सब्ट्रैक्ट 8। सो 1.82 माइनस 1.52 इज इक्वल्स टू 0.30 मीटर्स। ओके, नाउ क्वेश्चन बी, यू हैव टू ग्रो 45 सेंटीमीटर मोर टू रीच 2 मीटर हाइट। अब यहाँ पे दिनेश नाम का एक बॉय है जिसकी हाइट मेजर की जा रही है, ठीक है। तो उसे क्या कहा गया है कि अगर आपको 2 मीटर की हाइट अचीव करनी है तो आपको 45 सेंटीमीटर और लंबा होना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज दिनेश हाइट इन मीटर्स, हमसे पूछा है कि अभी दिनेश की हाइट कितनी है, हमें मीटर्स में बताना है, ठीक है। इट इज गिवन दैट 2 मीटर माइनस 45 सेंटीमीटर, ठीक है, सही है ना। हमें दिया है इन्फॉर्मेशन कि अगर उसको 2 मीटर का होना है तो 45 सेंटीमीटर और लंबा होना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 2 मीटर माइनस 45 सेंटीमीटर, वी कैन राइट इट एज 200 सेंटीमीटर माइनस 45 सेंटीमीटर, करेक्ट है ना। 200 सेंटीमीटर माइनस 45 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। तो 200 माइनस 45 इज इक्वल्स टू 155 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब 155 सेंटीमीटर को अगर मीटर में लिखना है तो 1 मीटर 55 सेंटीमीटर, या फिर हम लिख सकते हैं 1.55 मीटर, है ना। नाउ स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस प्रॉपरली। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, टिल देन बाय बाय।